जो आप प्रिंट आउट कराते हो उसमें देखो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे लेंथ ब्रेथ है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉडल निकलता है उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ये तीनों चीज होती है, ठीक है। तो इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे देखो ये बताओ ये मेरे को क्या है, क्या लग रहा है, रैबिट, रैबिट देखा है ना, तो देखो ये थोड़ा रैबिट का है, उसके कान हो गए रैबिट के, रैबिट का मुंह है ना, तो ऐसे करके आप जो भी चाहो वो चीज आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होते हैं 3D सॉफ्टवेयर, जैसे ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, उनमें ऐसे 3D शेप बनाते हैं, उस शेप को HTML फाइल को हम जी कोड में कन्वर्ट करके इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। तो सेलेक्ट करते हैं हम वो मॉडल, और फिर ये जो मोटर्स हैं ये उसी हिसाब से काम करती हैं, और हमारा जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, मॉडल है, वो तैयार होना शुरू हो जाता है, लेयर बाय लेयर बनता है और तैयार हो जाता है। बाकी जो इसका मटेरियल है वो यहाँ पीछे है वायर के फॉर्म में, जो मेल्ट कर रहे हैं उसको, ये पाइप के थ्रू जा रहे हैं और इजेक्ट आउट हो रहा है। सब्सटेंस इसमें प्लास्टिक है, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। अब ये जो है ये प्लास्टिक है, बट ये ऑर्डिनरी प्लास्टिक से डिफरेंट है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी प्लास्टिक होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, बट ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि अभी हमने प्लास्टिक भी बैन कर दी थी इसीलिए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो अर्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसमें यही मटेरियल यूज, इसमें अभी हम ये यूज कर रहे हैं, और भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से चेंज। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट जैसे इसमें हमारा 195 है ना, तो 195 मैक्सिमम है, उससे नीचे वाले जो भी हैं तो वो आप लगा सकते हैं इसमें, और वो साफ ही बना देंगे।